नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरविंद चौरसिया। शिक्षा इंसान का बुनियादी हक है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करे। यही वजह है हमारे देश में 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। सब पढ़े सब बढ़े, ये नारा दिया जा रहा है, लेकिन क्या हमारे सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि वो बच्चों को सही मायने में शिक्षित कर सकें? क्या हमारे नौनिहालों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल पा रही है? क्या सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाकर आप हम उनके भविष्य उज्जवल भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं? पिछले कुछ दिनों से हम इसी की तहकीकात कर रहे हैं और आज हम आपको मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह के संसदीय क्षेत्र बागपत में शिक्षा का सच दिखाएंगे। तो सवाल कि कैसे पढ़ें कैसे बढ़ें, किसी राष्ट्र के निर्माण में स्कूली शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही वजह है कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कर 6 से 14 आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को शिक्षा की परिधि में लाना किसी चुनौती से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद साल 1972 में प्रदेश के सभी जनपदों में परिषदीय स्कूलों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रयासरत है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद अपने लगभग 1,13,500 प्राथमिक स्कूलों और 45,700 से अधिक उच्च प्राथमिक स्कूलों के माध्यम से प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने संबंधी कार्य कर रहा है। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग आज तक वो नजीर नहीं पेश कर पाया कि प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दी जा सके। योगी सरकार ने जब उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाली तो स्कूलों की तस्वीर बदलने का वादा किया था, लेकिन क्या योगी सरकार अपने वादे को निभाने में कामयाब रही? इसी को जानने के लिए हम बागपत पहुंचे और यहाँ की सरकारी स्कूलों का जायजा लिया। बागपत केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह का संसदीय क्षेत्र है, यानी जिस मंत्री के जिम्मे देश की शिक्षा व्यवस्था के दुरुस्त करने का जिम्मा है, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या है, देखिए आप ही। देश की राजधानी दिल्ली के करीब बसे बागपत में सरकार का दावा है कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। खुद यहाँ के सांसद सत्यपाल सिंह केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री हैं, जिनके जिम्मे देश भर के शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी है। तो सत्यपाल सिंह के संसदीय क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, ये जानने के लिए हमने बागपत का दौरा किया। सबसे पहले हम बागपत जनपद के खेकड़ा ब्लॉक के निरोजपुर एम्मा गांव के प्राथमिक स्कूल पहुंचे। सुबह 8 बजे से पहले ही हम यहां पहुंचे तो स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल मनोज कुमार स्कूल में मौजूद थे। स्कूल में कुछ बच्चे पहुंच चुके थे और बाकी बच्चे धीरे धीरे स्कूल पहुंच रहे थे। इसके बाद प्रिंसिपल ने बच्चों को प्रार्थना कराई। ये सब देखकर लगा कि स्कूल के अध्यापक अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। स्कूल की बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो स्कूल की बिल्डिंग बहुत पुरानी है, फिर भी रखरखाव ठीक ठाक है। स्कूल परिसर में निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए फिलहाल चारों ओर थोड़ी अव्यवस्था नजर आई, फिर भी उम्मीद कर सकते हैं कि ये मरम्मत कार्य पूरा हो जाने पर स्कूल की तस्वीर थोड़ी सवर सकेगी। स्कूल में जब हमने शौचालय का जायजा लिया तो देखकर अच्छा लगा कि शौचालय अच्छी स्थिति में है, रंग रोगन और साफ सफाई भी अच्छी है। स्कूल में पानी की व्यवस्था भी ठीक है, हैंडपंप से बच्चों को पीने का पानी मिल रहा है। हालांकि इससे कितना शुद्ध पानी मिलता होगा ये बड़ा सवाल है। विद्यालय में इस समय 21 बच्चे नामांकित हैं और प्रधान जी द्वारा काफ़ी सहयोग किया जा रहा है। एक तो इंटरलॉकिंग टाइल लगाई जा रही, छत की रिपेयरिंग का काम था वो भी किया गया है और वृक्षारोपण किया गया है और फूल लगाए गए हैं सुंदरता के लिए। डेस्क बेंच की भी व्यवस्था प्रधान जी द्वारा की गई है। बच्चों को ड्रेस और किताबों का क्या? हाँ, बच्चों को ड्रेस मिल गए हैं और किताबें अभी तक विद्यार्थी से आ जाई हैं तो किताबें आज लेने जाएंगे। और कोई कमियां हैं ऐसी जो चाहते हैं सरकार पूरी करे स्कूलों में आपकी? ये हम सोचते हैं कि भाई एक तो साफ सफाई का थोड़ी व्यवस्था कराई जाए सरकार के द्वारा, जिससे स्कूलों का मेंटेनेंस और मेंटेनेंस की ग्रांट थोड़ी बढ़ा दी जाए ताकि स्कूल अच्छे से मेंटेन हो सके।
निरोजपुर एम्मा गांव के इस प्राथमिक स्कूल में क्लास 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन स्टूडेंट्स की तादाद अभी यहां मात्र 21 है। गांव के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना यहां अभी भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि गरीब तबकों के अभिभावकों को शिक्षा का महत्व समझ में नहीं आ रहा और जिनके पास पैसे हैं वो इन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। वहीं इस स्कूल में 1 से 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए महज 2 शिक्षक ही हैं। ऐसे में सभी क्लास के बच्चों को पढ़ाना भी बड़ी चुनौती है। आधा शिक्षा सत्र बीत जाने के बावजूद अभी तक बच्चों को किताब कॉपी नहीं मिली है। ऐसे हालात में बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। प्राथमिक स्कूल का हाल देखने के बाद हमने निरोजपुर एम्मा गांव के ही उच्च प्राथमिक स्कूल का दौरा किया। स्कूल की इमारत की बात करें तो ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसलिए ठीक नज़र आ रही है। स्कूल 4 दीवारी से घिरी हुई है, लेकिन स्कूल परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। पूरे परिसर में घास और झाड़ियाँ उगी हुई हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो बच्चे स्कूल पहुँच रहे थे। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक यहाँ 15 छात्र छात्राओं का नामांकन है, लेकिन हमें स्कूल में महज 7-8 बच्चे ही नज़र आए। ऐसे में बच्चों की शिक्षा के प्रति उदासीनता देश के भविष्य के लिए चेतावनी है। अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में देश में निरक्षरों की फौज खड़ी हो जाएगी। ना सिर्फ बच्चों के अभिभावक बल्कि स्कूल भी शिक्षा के प्रति कितना उदासीन है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगता है कि यहाँ क्लास शुरू होने से पहले किसी तरह की प्रार्थना नहीं हुई। बच्चे आते गए और क्लासरूम में आकर बैठ गए, लेकिन इतना ज़रूर है कि क्लासरूम अच्छा है। बच्चों के बैठने के लिए बेंच और डेस्क की व्यवस्था देखकर संतोष हुआ कि चलो यहाँ बच्चों की सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है। टीचर भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई की गुणवत्ता कैसी है, ये एक सवाल है। दूसरी बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो यहाँ बच्चों के पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जो एक हैंडपम्प है वो खराब पानी दे रहा है। स्कूल में शौचालय की बात करें तो शौचालय तो अच्छा बना है, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय बनाया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। शौचालय के रास्ते में बड़ी बड़ी घास और झाड़ियाँ उगी हुई हैं। इन झाड़ियों से निकलकर कब कोई जहरीला कीड़ा बच्चों को काट ले, इस बात का भय हमेशा बना रहता है। झाड़ियों की वजह से इस शौचालय में हमेशा ताला ही लगा रहता है, लेकिन हमारे कैमरे को देखने के बाद यहाँ के टीचर हिम्मत कर शौचालय का ताला खोलने गई। आप देखिए कैसे शौचालय के दरवाजे पर कीड़े को देखकर टीचर भी डर गई। ऐसे में बच्चे इस शौचालय का इस्तेमाल कैसे करते होंगे समझा जा सकता है। बागपत में सरकारी स्कूलों का सच जानने के लिए हमारा अगला पड़ाव रटौला गांव था। हम रटौल गांव के प्राथमिक स्कूल नंबर 2 पहुंचे। हम यहां करीब 9 बजे पहुंचे तो स्कूल परिसर में साफ सफाई चल रही थी। बाहर से देखने पर स्कूल की इमारत ठीक ठाक नजर आई। यहाँ स्कूल में बच्चों की संख्या हैरान करने वाली थी। इस प्राथमिक स्कूल में 186 बच्चों को पढ़ाया जा रहा था और ज़्यादातर बच्चे स्कूल में मौजूद थे। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ 5 शिक्षक नियुक्त हैं। बच्चों और शिक्षकों की संख्या को देखकर संतोष हुआ, क्योंकि इससे पहले बागपत के जिन स्कूलों में हम गए थे वहाँ बच्चे और शिक्षकों की संख्या बेहद कम थी। खास बात यह कि यहाँ के प्राथमिक स्कूल में बच्चों के बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है। सुंदर से क्लासरूम में बच्चे बेंच और डेस्क पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। अब तक इस स्कूल की जो सुंदर सी तस्वीर हमारे जहन में बनी थी वो उस वक्त काफ़ुर हो गई जब हम इस जर्जर से कमरे में पहुंचे। इस क्लास में बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि कुछ बच्चों को ज़मीन पर बैठना पड़ रहा है, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या बच्चों के सुरक्षा की है। इस क्लास की छत और दीवार दोनों ही जर्जर स्थिति में है। वहीं फर्श भी पक्की नहीं होकर इसमें ईंट बिछी हुई है। दीवारें धड़क रही हैं और इनमें सीलन लगा हुआ है और ज़रा सी बारिश होने पर छत से पानी टपकने लगता है। हाल ये है कि ये इस क्लास की छत और दीवार कभी भी भरभरा कर गिर सकती है, लेकिन क्लासरूम की कमी की वजह से खतरे के बावजूद यहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हाल ये है कि खुद टीचर भी यहाँ पढ़ाने में डरती हैं। खुद स्कूल टीचर की जुबानी ही सुनिए क्लास की बदहाली की कहानी। ये बरसात में कभी भी गिर सकते हैं, इसलिए हम बरसात में बच्चों को यहाँ बिठाते हैं, बाहर ही बिठाते हैं बच्चों को, हम यहाँ यहाँ नहीं बिठाते हैं। इसकी बस ये ऐसा होता है कि आप झुकिए, मतलब गिरने को हो रही है ये सब, ठीक है। हमारे पहले भी हम बैठते नहीं, बरसात में भैया यहाँ बैठ नहीं सकते बच्चे, बरसात में हम बाहर ही बिठाते हैं, हम यहाँ बिठाते ही नहीं, क्योंकि पानी और पानी ऐसा से गिरता है पूरे
ये सब ये कितनी सीलन है और ये छत भी ऐसे नीचे झुक रही है। स्कूल में दूसरी सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर शौचालयों की हालत भी अच्छी नजर नहीं आई। शौचालय की अंदरूनी दीवार का प्लास्टर झड़ रहा है लेकिन बाहरी रंग रोगन ठीक है, लेकिन पीने के पानी के लिए स्कूल में एकमात्र हैंडपंप का सहारा है जिसकी पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। स्कूल की इस बदहाली की शिकायत शिक्षा विभाग से कई बार की गई लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में इस स्कूल में बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं तो टीचर भी नौकरी की मजबूरी की वजह से सब कुछ सहने को मजबूर हैं। ये है कि छतें जर्जर हैं जिनसे बरसात में पानी बहुत टपकता है और ग्राउंड है स्कूल का जिसमें बरसात के टाइम में पानी इतना भर जाता है कि निकलने के लिए भी रास्ता नहीं है। कितने बच्चे हैं स्कूल में और टीचर कितने हैं? 186 बच्चे हैं नामांकित, 5 टीचर हैं हम जिनमें 2 शिक्षा मित्र हैं, हम 3 सहायक अध्यापिका हैं। खेकड़ा ब्लॉक के रटौल प्राथमिक स्कूल नंबर 2 से आगे बढ़ने पर हमें रटौल का प्राथमिक स्कूल नंबर 1 नजर आया। स्कूल की इमारत सुंदर और व्यवस्थित है। यहाँ क्लास 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है जिसमें कुल 311 बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ 7 टीचर नियुक्त हैं। हम सभी क्लास में गए और हर जगह हमें बच्चों को तल्लीनता से पढ़ाते टीचर मिले, लेकिन बच्चों का जमीन पर बैठकर पढ़ाई करना अखरता है। सरकार स्कूली शिक्षा पर करोड़ों अरबों खर्च कर रही है लेकिन बच्चे बैठने के लिए बेंच और डेस्क तक के लिए तरस रहे हैं। वहीं सुंदर से दिखने वाले इस स्कूल में परेशानी कम नहीं। इस स्कूल में बिजली का कोई प्रबंध नहीं है। स्कूल में बिजली नहीं और ना ही क्लासरूम में पंखे लगे हुए हैं। बरसात की उमस भरी गर्मी में बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। रटौल प्राथमिक स्कूल नंबर 1 और 2 का जायजा लेने के बाद हमारी टीम पास ही में मौजूद रटौल उच्च प्राथमिक स्कूल पहुंची। यहाँ पर बच्चे नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। इस स्कूल में क्लास 6, 7 और 8 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्कूल में बच्चों की संख्या की बात करें तो यहाँ 57 बच्चों का नामांकन है और 2 शिक्षकों पर इनको पढ़ाने की जिम्मेदारी है। ऐसे में यहाँ पर भी शिक्षकों की कमी साफ देखने को मिली। इस स्कूल में शासन प्रशासन की लापरवाही बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित भी कर रही है। वैसे तो इस स्कूल में बिजली कनेक्शन है लेकिन बिजली बेहद कम आती है जिसकी वजह से बच्चे और टीचर दोनों परेशान हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था देखकर अच्छा लगा लेकिन सवाल वही कि जब बिजली ही बेहद कम आती है तो इसका इस्तेमाल कैसे होता होगा। हालांकि यहाँ पर बच्चों के सभी शिक्षा कार्यक्रमों की गैलरी सजाई गई है, साथ ही स्कूल में अग्निशमन यंत्र भी मौजूद है। इससे तो लगता है कि टीचर अपनी भूमिका ठीक से निभा रहे हैं। कंप्यूटर हमें आता है, बेसिक्स नॉलेज हम बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान कराते हैं। विद्यालय में एक कंप्यूटर बिल्कुल ठीक हालत में, जब लाइट आती है तो वो चलाया जाता है। उसमें मीना की कहानियाँ और हमारे पास बहुत सारी एजुकेशनल सीरीज भी उपलब्ध है विद्यालय में जिनके थ्रू हम बच्चों को चैप्टर भी समझा देते हैं। उन सीरीज से ही बच्चों को चैप्टर समझ में आ जाता है कंप्यूटर में इजीली, फिर वो बस हल्का सा समझाना रह जाता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि बच्चों को पढ़ाई से या हमसे कोई शिकायतें होंगी क्योंकि हम तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं कि बच्चों को बिल्कुल कोई मुश्किल हो ही ना, सारे डाउट्स एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट सब कुछ बिल्कुल क्लियर करके चलते हैं। जब हम रटौल उच्च प्राथमिक स्कूल का जायजा ले रहे थे उसी वक्त खंड शिक्षा अधिकारी स्कूल में पहुंचे और फिर स्कूल में बच्चों को ड्रेस वितरित किया गया, लेकिन आधा सत्र बीत जाने के बाद ड्रेस और किताबें बांटा जाना शिक्षा विभाग की लेट लतीफी नहीं तो और क्या है। ज़्यादातर स्कूलों में तो वितरण चल रहा है, वो लगभग जो है 1 सप्ताह के अंदर पूरा वितरण हो जाएगा ड्रेस का, और किताबों का वितरण चल रहा है, कुछ विषयों की आ गई हैं और कुछ की जो है 1-2 दिन में आ जाएंगी। क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं वितरण के लिए? वितरण के लिए पूरी टीम लगी हुई है हमारी स्कूल लेवल पे भी और समस्त BRC NPRC सभी लगे हुए हैं। फिलहाल कितने स्कूलों में बांट दी गई है ड्रेस और किताबें? भाई तो अभी मैं रिकॉर्ड तो दे नहीं सकता लेकिन यह है कि अधिकतर स्कूलों में जो है बट चुकी है, जितने विषयों की आई थी किताबें वो मिल गई हैं। दरअसल बागपत में सब पढ़े सब बढ़े अभियान उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया जिससे उम्मीद की किरण जग सके। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह के संसदीय क्षेत्र बागपत में आज भी सरकारी स्कूलों की स्थिति बदहाल है। ऐसे में कैसे पढ़ें और कैसे बढ़ें बच्चे, ये बड़ा सवाल है। सचिन त्यागी, APN बागपत।
कैसे पढ़ें कैसे बढ़ें, ये सवाल, और इस सवाल का जवाब रियल ग्राउंड पर ढूंढने के लिए हम जगह जगह उत्तर प्रदेश के स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं और वहाँ की सच्चाई आप तक पहुँचा रहे हैं, और उसी के तहत आज नज़र यहाँ पर। और एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्राइमरी स्कूलों को मॉडर्न स्कूल के तर्ज पर डेवलप करने का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी ओर हकीकत से रूबरू कराएं तो आप भी हैरान रह जाएंगे। हम आपको आज जो क्लास दिखाने जा रहे हैं उसमें बच्चे स्कूल की छत के नीचे भी छाता लेकर पढ़ने को मजबूर है। दरअसल बागपत के सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, बारिश होते ही छत टपकने लगती है, छत टपकने से बच्चे परेशान होकर छत होते हुए भी छाता लगाकर पढ़ने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि इस समस्या का प्रशासन से शिकायत इसको लेकर नहीं की गई, लेकिन अध्यापकों ने बारिश शुरू होने से पहले ही इसकी शिकायत की थी, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। कहते हैं शिक्षा पाना किसी तपस्या से कम नहीं, शिक्षा पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। बागपत के सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को कुछ इसी तरह तपस्या करनी पड़ती है। यकीन नहीं होता तो इन तस्वीरों को देखिए, इन बच्चों को शिक्षा पाने के लिए किस तरह से तपस्या करनी पड़ रही है। बारिश की वजह से स्कूल की छत से पानी टपक रहा है, बाहर बारिश हो रही है तो ये छत भी बच्चों को पानी से बचा पाने में नाकाम साबित हो रही है। मजबूरन बच्चों ने अपने अपने छाते खोल दिए हैं। दरअसल ये चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है बागपत के प्राइमरी स्कूल नंबर 1 से, जहां आप देख सकते हैं कि बारिश के कारण स्कूल की छत टपक रही है, जिस कारण बच्चों को छाते के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। पानी से बचने के लिए एक एक छाते के नीचे कई कई बच्चे बैठे हैं और टीचर भी छाता लेकर उन्हें पढ़ा रही है। बागपत के इसी प्राइमरी स्कूल में बच्चों को शिक्षा पाने के लिए सरकारी लापरवाही से मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। बारिश की वजह से पूरा क्लासरूम पानी पानी हो रहा है, कई जगहों पर बाल्टी रखी गई है जिसमें छत से टपकने वाला पानी जमा हो रहा है। बारिश के पानी से फर्श पानी पानी है, लेकिन बच्चों के बैठने के लिए बेंच और डेस्क का इंतजाम नहीं। बच्चे जमीन पर दरी बिछाकर बैठे हैं जो पानी टपकने से गीली हो रही है, फिर भी बच्चे छाता लेकर किसी तरह पानी से बचने की जद्दोजहद कर रहे हैं। क्लास में छाता लगा क्यों पढ़ रहे हो? कब से बारिश हो, कब से चोरी है छत? परसों से छत चोरी है। दरअसल स्कूल की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, स्कूल की दीवारों में दरार बन गई है, छत में भी दरारें नजर आ रही हैं, जिनसे पानी टपक रहा है। पूरे स्कूल के क्लासरूम का यही नजारा है। दीवारों पर बच्चों को प्रेरित करने वाले आदर्श वाक्य लिखे गए हैं, लेकिन उसी के पास दरारें बता रही हैं कि स्कूल की स्थिति आदर्श नहीं है। सचमुच ये स्थिति डरावनी और चिंता पैदा करने वाली है। दरार से पानी रिसने की वजह से छत और दीवार दोनों कमजोर हो गई हैं और कभी भी भरभरा कर नीचे पड़ रहे बच्चों पर गिर सकती है। यहाँ बच्चों की सुरक्षा दांव पर लगी हुई है और सरकार सब बढ़े का नारा बुलंद कर रही है। ये तस्वीर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की पोल भी खोल रही है। स्कूल की दुर्दशा से बच्चे और शिक्षक दोनों परेशान हैं। कई बार छत टपकने की शिकायत बीएसए से की जा चुकी है, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं दिया, जिस कारण बारिश होने पर बच्चे टपकती छत के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। मैम, आपके स्कूल में बच्चे छाता लगाकर क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या मामला है? हमारे स्कूल में छात्र संख्या बहुत ज्यादा है, 638 बच्चों का नामांकन है, जबकि उसमें से हमारे पास 6 ही कमरे अवेलेबल है। उन 6 कमरों में बच्चों की मुश्किल से व्यवस्था हो पाती है। 3 दिन से बारिश के चलते छत टपक रही है और उस और कहीं बैठाने की व्यवस्था ना होते हुए हमने उन्हें छातों की इंतजाम करके, इसलिए बच्चे उसी कक्षा कक्ष में बैठ पा रहे हैं जहाँ टपक रहा है। दरअसल स्मार्ट क्लास, एक्स्ट्रा स्मार्ट क्लास जैसे शब्द तो आपने सुने होंगे, लेकिन बागपत के सरकारी स्कूलों में एक नए किस्म की क्लास का इजाद हुआ है, जिसे कहते हैं टपकती क्लास। यहाँ के कई सरकारी स्कूलों की क्लास अब टपकती क्लास हो गई है। बारिश होने के कारण छत टपकने लगती है और बच्चे छाते के नीचे बैठकर पढ़ने को मिलती है। बिल्डिंग बहुत पुरानी है, जर्जर है और छत भी बारिश में टपकने लगी है। वहीं जब बागपत के डीएम ऋषेंद्र कुमार से इस मामले पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द बागपत जिले के जर्जर स्कूलों की मरम्मत करा दी जाए, ताकि यहां पढ़ने वाले बच्चों को दिक्कत ना हो।
देखिए जो इधर हाल में बारिश हुई है गत सप्ताह में औसत से काफ़ी अधिक रही है और ये फ्लड रेन की तरह से आई है, जिससे कि जो पुरानी बनी हुई बिल्डिंगें हैं वहाँ पे समस्याएं हुई है। जो गांव के स्कूल बने हुए प्राथमिक विद्यालय उनके कायाकल्प के लिए आप लोग जैसे जानते होंगे कि शासन का ऑपरेशन कायाकल्प चल रहा है और कई स्कूलों की अवस्थिति और उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोगों ने ठीक कराया है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं जो नगर पंचायत क्षेत्र में या नगरीय सीमा के प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी स्थिति में बहुत सुधार नहीं हो पाया अपेक्षित। तो उसके लिए जैसा इस बार भी हम लोगों ने देखा कि कहीं कहीं दिक्कतें आ रही है, तो उसको हम लोग जल्दी से ठीक करके कोशिश यह करेंगे कि अगली बारिश में ऐसी दिक्कत ना हो यहाँ पर। डीएम साहब भले ही मरम्मत की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि आश्वासन रटा रटाया जुमला है या सचमुच प्रशासन इसके लिए गंभीर है। खैर, हकीकत तो यही है कि बागपत जिले में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनकी इमारत जर्जर अवस्था में है। बरसात में तो उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। बारिश होने पर या तो इन स्कूलों में छुट्टी कर दी जाती है या फिर बच्चे इसी तरह से खाता लेकर पढ़ाई करते हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इन स्कूलों की मरम्मत कब तक करवाता है या फिर बात ऐसे ही आई गई हो जाएगी। सचिन त्यागी, APN, बागपत। ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जरूरी है और इस तरह के कुछ और भी खोज को लेकर हम लगातार आते रहेंगे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।